सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का गुरुवार को निधन हो गया। पिछले 24 घंटे से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। वाजपेयी करीब 9 सप्ताह से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती थे। स्वास्थ्य में कोई सुधार न होने पर उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। वाजपेयी के निधन के बाद उनके घर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही कई जगह पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, जबकि वाजपेयी के घर पर एसपीजी की टीम पहले ही पहुंच चुकी थी। बुधवार से उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई थी, जिसके चलते गुरुवार को कई वरिष्ठ नेता उनका हाल जानने एम्स पहुंचे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 बार एम्स पहुंचे थे। पीएम मोदी यहां करीब 45 मिनट तक रुके भी थे। उनसे पहले गुरुवार की सुबह अमित शाह उनका हाल जानने पहुंचे थे। पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी एम्स पहुंचे थे। पत्रकारिता को चुना था अपना करियर। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के ही विक्टोरिया कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज में हुई थी। उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक किया और पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने राजधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का भी संपादन किया था। वाजपेयी को 11 जून को दिल्ली में एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें किडनी में इन्फेक्शन, छाती में जकड़न, मूत्र नली में इन्फेक्शन की समस्या थी। वह पिछले 66 दिन से एम्स में भर्ती थे। वाजपेयी को डायबिटीज़ थी और उनका एक ही गुर्दा काम कर रहा था। वह 2009 से बीमार चल रहे हैं। 2009 में उन्हें स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उनकी सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो गई थी। 2009 में भी वाजपेयी कई दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे। तब से ही तबीयत खराब होने के चलते वे सार्वजनिक जीवन से दूर चल रहे थे। तबीयत खराब होने की वजह से 2015 में अटल जी को भारत रत्न सम्मान उनके घर पर ही दिया गया था। इसी दौरान उनकी आखिरी तस्वीर भी सामने आई थी। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे अटल। वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1996 में वह पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद दूसरी बार साल 1998 में वह दोबारा पीएम चुने गए थे। वाजपेयी साल 2004 तक पीएम रहे थे। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। न्यूज़ टाइम्स के लिए सुयोग्य राज द्विवेदी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।